एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, उपचुनाव के लिए कांग्रेस की एक रणनीति तैयार की है। क्या है रणनीति, इसके बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। इसके अलावा भाजपा में ही भाजपा का विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब भाजपा की तरफ से कई बड़े चेहरे जो है मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेमा चेंज किया, इसके बाद क्या होने वाला है, क्या शिवराज सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर यहाँ पर जो बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं अमित शाह का आखिरी फैसला होगा तो कौन बनेगा एमपी का नया मुख्यमंत्री, इस पर जो है 26 मार्च तक इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर जो आ रही है, इससे पहले आपको भी जानकारी होगी कि कमलनाथ सरकार काफी दिनों से जो है समझ समिति और जिस प्रकार से 16 बागी विधायकों की इस्तीफे मंजूर होने के बाद इस्तीफा कमलनाथ ने सौंपा, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर दी है। आज है, आज के बाद कल भी आता है, कल की बात परसों भी आता है, यानी वो तैयारी कमलनाथ सरकार अभी से कर रही है। और बीजेपी की तरफ जो 22 विधायक जो कांग्रेस के थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो बीजेपी तो साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव के लिए इन 22 ही विधायकों को चुनावी मैदान में उतारेगी। और ये जो 22 विधायक हैं जो कांग्रेस की तरफ से थे और कांग्रेस ने जो यहाँ पर प्रचार किए थे और जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन क्या बीजेपी को जो 22 विधायक वो सपोर्ट करेंगे आने वाले चुनाव में, जनता उनको क्या वोट देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कमलनाथ सरकार उपचुनाव में बीजेपी सरकार गिराने की रणनीति अभी से तैयार करने लगे हैं। अब क्या रणनीति यहाँ पर अमित शाह तैयार करते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं और इन बड़े चेहरों में अब अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस के डर से जो है अभी सत्र स्थगित हो चुका है और कुछ समय के लिए हमें और इंतजार करना होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 मार्च तक बीजेपी की तरफ से नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। तो कौन बड़े चेहरे हैं, देखो एक तो कमलनाथ सरकार यहाँ पर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको कुछ मिले ना, क्योंकि वो राजा हैं, राजा कहे जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और उनकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, देखिए शिवराज सिंह के चांसेस अगर यहाँ पर दिखाएं तो काफी कम चांसेस अब दिखाई देने लगे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें और नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात करें, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ पर अगर बात करें तो जो नया चेहरा यहाँ पर राकेश सिंह सिन्हा का जो है वो एक नया चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पांच चेहरे जो है मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि अगर सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो है यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो ज्यादातर समय नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही उन्होंने बिताया है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंधिया के वो यहाँ पर करीबी माने जाते हैं। तो अब क्या यहाँ पर बीजेपी नया मुख्यमंत्री यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को बनाने वाली है, इस पर क्या कहती है आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर को आप कितने परसेंट यहाँ पर मुख्यमंत्री मानते हैं, शिवराज सिंह को कितना या अन्य जो बड़े यहाँ पर नेता है उनको कितने परसेंट आप यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्यों और उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब दो यहाँ पर बड़े चेहरे हैं, अब इसे क्या मिलेगा ये तो आने वाला समय ही तय कर देगा, लेकिन कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री इस पर अब बीजेपी में ही बीजेपी का विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से नारेबाजी देखने को मिली है। इससे पहले जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, और शिवराज सिंह चौहान किस स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो यहां पर अनुमानित है कि आंकड़े में नरेंद्र सिंह तोमर जो है सबसे आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। इसके अलावा अगर बात करें तो अब कमलनाथ सरकार शांत बैठने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास भी बहुमत का आंकड़ा ज्यादा नहीं है। ऐसे में बात करें तो कमलनाथ सरकार की वापसी भी हो सकती है, ऐसी भी खबरें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारियां नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।